इसराइल और हमास के बीच जंग को आज यानी 7 अक्टूबर को एक साल पूरा हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। यह हमला फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास ने किया था, जिसमें महज एक दिन में ही इसराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 6:30 के दौरान दक्षिणी इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। सैकड़ों हमास लड़ाके इसके बाद इसराइल में घुस आए थे। ये वो दिन था जब पूरा देश सुकोट नाम का धार्मिक उत्सव मना रहा था। इस हमले को हमास ने फ्लड ऑफ एआई अक्सा नाम दिया था। इसराइल ने हमास के हमले का जवाब देते हुए 8 अक्टूबर को हवाई हमला किया था। इसराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू करके गाजा की पूर्ण घेराबंदी शुरू कर गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में रहने वाले करीब 15 लाख लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया था। वहीं इसका प्रभाव एक साल बाद भी दिख रहा है, जब गाजा के लोग पानी, खाना और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। अगर सिर्फ बात करें गाजा की, तो वहां लगभग 70% इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक हमले में 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें लगभग 16,765 बच्चे हैं। वहीं लगभग 98,000 लोग घायल हुए हैं, 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। दूसरी तरफ युद्ध में अब तक इसराइल के लगभग 1,139 लोग मारे गए हैं और 8,730 घायल हुए हैं। इसके अलावा लगभग 125 जर्नलिस्ट भी हमले में मारे जा चुके हैं। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद ईरान समर्थक सशस्त्र समूह भी इसराइल से भिड़ गए। इसमें लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हूती और फिलिस्तीन का इस्लामिक जिहाद संगठन शामिल था। और इसी संघर्ष के बीच 31 जुलाई 2024 को हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में एक विस्फोट में मारा गया। 28 सितंबर 2024 को उस इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर व्यापक हमला किया, जिसमें कम से कम 6 रिहायशी इमारतें नष्ट हो गईं और राजधानी में दहशत फैल गई। इस हमले में 3 दशकों से अधिक समय तक हिजबुल्ला का नेतृत्व करने वाला हसन नसरल्ला भी मारा गया। अगले दिन हिजबुल्ला ने उसकी मौत की पुष्टि की।